पिछले 7 दिनों से चला आ रहा कुल्लू दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। भगवान रघुनाथ 7 दिनों तक कुल्लू के ढालपुर मैदान में सैकड़ों देवी देवताओं के साथ अस्थायी शिविर में रहे और दोपहर बाद लंका पर चढ़ाई करने के बाद अपने स्थायी मंदिर रघुनाथपुर में वापस चले गए। दशहरा उत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव दुनिया भर में देवी देवताओं के महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में कुल्लू जिला के सैकड़ों देवी देवता अपने भक्तों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर कर पहुँचते हैं। 7 दिनों तक रोजाना देवी देवताओं के लाखों भक्त अपने अपने कुल देवता और इष्ट देवी देवताओं के दर्शन एक ही मैदान में करते हैं। आज भगवान रघुनाथ शाम के समय अपने देवी देवताओं व राज परिवार के सदस्यों सहित लंका पर चढ़ाई करने निकले और उसके बाद भगवान रघुनाथ अपने स्थायी मंदिर लौट गए। भारी भीड़ में सैकड़ों देवी देवताओं के साथ रथ यात्रा निकाली गई और सभी देवी देवता अपने अपने मूल स्थानों की तरफ वापस चले गए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने समापन समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि कुल्लू दशहरा कुछ कारणों से सही प्रकार से आयोजित न हो, परंतु सभी जानते हैं कि दशहरे का आयोजन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कि दशहरा उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक ना हो सके और इसके लिए अनेक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय तथा धार्मिक परंपराओं व उत्सवों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए और किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह मंदिर का मालिक है। उन्होंने कहा कि प्राचीन मंदिर किसी की भी निजी संपत्ति नहीं है और वे केवल ऐसे मंदिरों के न्यासी व देखभालकर्ता ही हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कुल्लू स्थित रघुनाथ मंदिर भी निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने सराहन भीमाकाली माता मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि सराहन स्थित इस मंदिर के लिए भी न्यास का गठन किया गया है और वे भी उस न्यास के एक सदस्य हैं। इसी प्रकार आसपास के क्षेत्र के अन्य मंदिरों को भी भीमाकाली ट्रस्ट के अधीन लाया गया है, जिसके फलस्वरूप इनका वित्त पोषण होने के साथ सही देखभाल भी हो रही है। और कोई देवता कोई मंदिर किसी की निजी जायदाद और उसकी जो है वो निजी संपत्ति नहीं है, ये मान के कहना चाहिए। वो उसके रक्षक हो सकते हैं, सेवक हो सकते हैं और संचालक मंडली में हो सकते हैं, मगर वो हरगिज चाहे वो मंदिर के या देवते के मंदिर के वो मालिक नहीं हो सकते। और इसी तरह से जो रघुनाथ जी का मंदिर है ये किसी का प्राइवेट मंदिर नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देवी देवताओं के नजराने में 5% बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने उत्सव के दौरान स्थानीय देवी देवताओं के साथ शामिल होने वाले बजंतरियों को 10,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।